ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच करीब डेढ़ महीने से चल रहा सत्ता का संघर्ष फिलहाल थम गया है। बगावत करने वाले सचिन पायलट ने कांग्रेस आलाकमान से बीती शाम मुलाकात की और सब कुछ ठीक हो गया। एक महीने से चल रहे इस पूरे सियासी ड्रामे पर बीजेपी ने भी अपनी पैनी नजर गड़ाए रखी थी। बीजेपी इस आपसी कलह में कहीं थी नहीं, लेकिन तड़का जरूर लगा रही थी। बीजेपी पूरे मामले पर बराबर नजर बनाए हुए थी और कई नेताओं ने तो सचिन पायलट की कार्यशैली की भी जमकर तारीफ की थी। कई नेताओं ने तो पायलट को बीजेपी में आने का नोटा भी दिया। अब जब कांग्रेस में सुलह हुई तो बीजेपी और पार्टी नेताओं का गुस्सा फूट रहा है। बीजेपी के एक नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति है, अगले तूफान के लिए समय का इंतजार है। शुरुआत करें बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया से, जिन्होंने कहा कि चलो झगड़ा निपट गया हो तो जनता से माफी मांगो, कुछ काम करो फटाफट। वादे के मुताबिक किसानों को कर्जा माफ करो, बेरोजगारी की लंबित मांगों को पूरा करो, पानी बिजली व स्कूल फीस माफ करो, अपराधों को रोको। 31 दिन के भाषण के साथ साथ खर्चे का हिसाब दो, पहले इतना करो, आगे का होमवर्क फिर बताऊंगा। आगे उन्होंने कहा कि हम तो पहले ही कह रहे थे झगड़ा कांग्रेस का, तोहमत बीजेपी पर। बेचारी राजस्थान की जनता 31 दिन तक कांग्रेस की रामलीला देखती रही। बहन और भाई बड़ी देर से जागे, कांग्रेसी खूब भागे, राजस्थान के मजदूर जवान और किसान फिर से अभागे रहे। पुनिया ने कहा कि राजस्थान में जिस तरीके का दृश्य उत्पन्न हुआ उसे पूरे प्रदेश ने देखा। हमने पहले दिन से कहा था कि कांग्रेस का अपने घर का झगड़ा है, 31 दिन बाद सोए हुए भाई बहन की जोड़ी जागी, लेकिन इस सियासी ड्रामे से प्रदेश की जनता के हाथ में क्या आया, सिर्फ प्रदेश की जनता परेशान होती रही। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने बयान देते हुए कहा कि अभी तूफान से पहले की खामोशी है, फिर प्रचंड तूफान कब आएगा, फिर से सरकार टुकड़ों टुकड़ों में कब बिखरेगी, ये समय का इंतजार है। समय देखिए और समय की रफ्तार देखिए, क्योंकि ये सब राजस्थान की जनता ने भुगता है जो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस सरकार की विफलता व नाकामयाबी के मुद्दे उठाएगी, प्रदेशवासियों के दुख तकलीफों के लिए सदन से लेकर सड़क तक पुरजोर ढंग से लड़ेगी और इस नाकाम सरकार की चूल्हे हिला देगी। पायलट की घर वापसी पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को फिल्म बताते हुए कहा कि पहला सीन पार्टी में बिखराव, दूसरे सीन में फाइट, तीसरे सीन में राहुल गांधी की एंट्री, चौथे सीन में समस्या खत्म और पांचवे सीन में हैप्पी एंडिंग। इस स्क्रिप्ट को और भी अच्छा लिखा जा सकता है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस से सवाल पूछा है कि क्या राजस्थान कांग्रेस का नाटक राहुल गांधी को एक बार फिर से लॉन्च करने का जुगाड़ है। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता अगर पहले ही राजामंदी करा देते तो प्रदेश की जनता को इतना ही भुगतना पड़ता। कटारिया ने कहा कि देश और प्रदेश दोनों ने देखा कि परिवार का झगड़ा था, लेकिन फ्लोर टेस्ट के लिए समय बर्बाद करने के लिए कांग्रेस ने ऐसा किया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।